दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको आज की 4 अप्रैल की छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट खबर आए और कुछ चीजों का यहाँ पर खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है तो उसको लेकर यहाँ पर मैं खुलासा करवाऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको अभी तक नहीं मालूम है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली खबर यहाँ पर रायपुर से लेते, तो विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में होने की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट परीक्षा फॉर्म को स्वीकृत कराने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पहुंच रहे हैं। कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर लेवल पर परीक्षा फॉर्म स्वीकृत कराने के लिए स्टूडेंट जुगाड़ लगा रहे हैं। इसके चलते परीक्षा की तैयारियों में जुटे कॉलेज के लिए यहां पर सिर दर्द बढ़ गया है। कुछ कॉलेजों में स्टूडेंट उच्च शिक्षा अधिकारियों का नाम लेकर या ऊंची पहुंच बताकर फॉर्म को स्वीकृत कराने का दबाव बना रहे हैं। उधर रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षा की समय सारिणी घोषित हो चुके हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट कॉलेज पहुंच रहे हैं जिन्होंने कॉलेज में सिर्फ एडमिशन लिया है, कई तो प्रवेश शुल्क पूरा जमा नहीं किया है। ऐसे में विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा है। अब ऑनलाइन मोड पर घर बैठे पास होने का मौका देखकर फॉर्म स्वीकृत कराने के लिए यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। कॉलेज संचालकों का कहना है कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। यूनिवर्सिटी ने विलंब शुल्क 2,000 रुपये के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम अवसर दिया था। अब विद्यार्थी उच्च अधिकारियों का नाम लेकर फॉर्म अग्रेसित करने का दबाव बना रहे हैं। कॉलेज के सूत्रों का कहना है कि जो विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म की स्वीकृति के लिए पहुंच रहे हैं वे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई से गायब है, क्योंकि ब्लेंडेड मोड में परीक्षा हो रही है, उपस्थिति का प्रतिशत नहीं देखा जाएगा। ऐसे में विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा है। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया कि अब आ रहे परीक्षा आवेदन स्वीकृत किए जाए या नहीं किए जाए, इसके लिए जल्द ही बैठक करके नीति बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय का कोई भी आदेश मौखिक नहीं होता। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का नाम लेकर यदि विद्यार्थी दबाव बना रहे तो कॉलेज इसकी शिकायत करे। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो जो कि यहाँ पर बस्तर यूनिवर्सिटी को लेकर है। तो देखिए बस्तर यूनिवर्सिटी के परीक्षा और परिणाम अब सवालों के घेरे में है। यह पूरी प्रक्रिया को ऐसा कर दिया गया है कि प्रोफेसर जिसे चाहे उसे टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट बना दे और जिसे चाहे उसे फेल कर दे। पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि अब तक जारी हुए नतीजों में जो ये संदेह के दायरे में आ चुका है बस्तर यूनिवर्सिटी। प्रदेश में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय समेत बाकी जो यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, खासकर पीजी कॉलेजों की उत्तर पुस्तिकाओं को जाँच के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में भेजती है, लेकिन बस्तर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने प्रश्न पत्र सेट करने से लेकर जांच करने की जिम्मेदारी एक ही प्रोफेसर को दे दिया जाता है। यह यूजीसी के नियम के खिलाफ है। कई स्टूडेंट का आरोप है कि कई प्रोफेसर अब इस प्रक्रिया का फायदा उठाकर स्टूडेंट का हर प्रकार से शोषण भी करने लगे हैं। बस्तर यूनिवर्सिटी ने परीक्षा और परीक्षा के परिणामों को जारी करने का जो सेटअप बनाया है उसमें बस्तर यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों के प्रोफेसरों को ही रखा गया। ऐसे में कई प्रोफेसर इस बात का फायदा उठा रहे हैं और अपने अपने छात्रों का अंक बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस्तर यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को इस खामी की जानकारी नहीं है। छात्रों ने कई बार इस खामियों को जिम्मेदार लोग हैं लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन सबने इस मामले में चुप्पी साध ली है। बीयू में ग्रेजुएशन कोर्स वाले पर्चों की जांच और एक्सटर्नल इंटरनल के लिए काफी प्रोफेसर है। ऐसे में यहां धांधली थोड़ी कम है, लेकिन पीजी में ज्यादा धांधली का अंदेशा है। ऐसे में कई विषय है जिनमें प्रोफेसर पढ़ाई करवा रहे हैं, वही पेपर सेट कर रहे हैं और थ्योरी और इंटरनल और एक्सटर्नल का मूल्यांकन करता भी वही है। बीयू की खामियों का फायदा प्रोफेसर उठाने लगे। कुछ समय पहले ही कांकेर में लॉ डिपार्टमेंट का प्रोफेसर प्रैक्टिकल में नंबर देने और कैरियर संवारने के नाम पर छात्रों से अनैतिक मांग करता था। हालांकि यहां प्रोफेसर अभी एक छात्र की शिकायत के बाद जेल में हैं। हाल ही में कुछ समय पहले बस्तर यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का पर्चा लीक हो गया। पर्चा किसने लीक की और किसको बेचा गया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच कमेटी ने सजा एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी को दी।
बच्चों को पढ़ाने, पर्चे बनाने और उत्तर पुस्तिका जांचने का काम एक ही प्रोफेसर यहाँ पर करता है। और ऐसे कई छात्रों की अंक सूचियाँ है जो पिछले परीक्षाओं में एटीकेटी यानी कि सप्लीमेंट्री थे और अगले ही साल उन्हें टॉप कर गोल्ड मेडल यहाँ पर दिया गया। तो बहुत यहाँ पर लापरवाही है, ये सवालों को घेरे में बिल्कुल विश्वसनीयता अपनी खो रही है बस्तर यूनिवर्सिटी। अब तक आप देखिए आगे क्या इसका निर्णय आता है। यहाँ पर अगली खबर है, देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाले जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। स्टूडेंट अब 5 अप्रैल रात के 12 बजे तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। इससे पहले आखिरी तारीख 31 मार्च थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा अप्रैल में 2022 में जेईई मेंस की परीक्षा ली जाएगी। जेईई मेंस पेपर 1 का आयोजन 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को किया जाएगा। पेपर 2 का आयोजन 24, 25, 26, 27, 28, 29 मई को होगी। जेईई मेंस 2022 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 8 अप्रैल से 3 मई तक चलेगी। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं तो शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन का दौर शुरू हो गया है। एडमिशन के मिलने के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग से नोडल अफसर व प्राचार्यों के माध्यम से पंजीकृत निजी स्कूलों का वेरिफिकेशन कराने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान यहाँ देखा जाएगा कि निर्धारित सीट अनुसार बच्चों के लिए स्कूल उपयुक्त है कि नहीं और क्या क्या सुधार की जहाँ पर जरूरत है। एडमिशन के लिए 15 मई तक यहाँ पर पंजीयन जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे और यहाँ पर पिछले बार की तुलना में 50 सीटें कम होने का अनुमान है, क्योंकि ये बहुत सारे स्कूल जो है लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 सालों से प्राइवेट स्कूल बहुत सारे यहाँ पर बंद हो चुके हैं। अगली खबर यहाँ पर है, नीति आयोग द्वारा चिन्हांकित प्रदेश के 10 जिलों के 400 बच्चों को फ्री में नीट और जेईई की कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए सोमवार को चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर सभी जिलों से टॉप 40 बच्चों का चयन किया जाएगा। इसके बाद इन बच्चों को निजी संस्थान के बायोजूस द्वारा नीट और जेईई की कोचिंग फ्री में दी जाएगी। नीति आयोग और निजी संस्थान बायोजूस के बीच इस संबंध में MOU हुआ है। परीक्षा 1 घंटे की होगी। तो यह था आज की डेट में छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबर। यह खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई खबरों के साथ अगले दिन एक नए वीडियो में।